स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल संजीव शर्मा वीडियो लॉग में। आज की वीडियो का टॉपिक जो रहेगा, जैसे जैसे अब जो गर्मियां हैं वो बिल्कुल जा चुकी हैं, नॉर्थ साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अच्छा खासा जो है वो विंटर जो है वो आ चुका है। अब गाड़ी में देखिए एसी की जरूरत आपको पड़ भी सकती है और नहीं भी पड़ती है। जैसे अभी अपनी गाड़ी में जो है वो एसी चलाया हुआ है, एसी ऑन है यहाँ पर, लेकिन सुबह और शाम में जो है वो ठंड अच्छी खासी होती है और जैसे जैसे हम दिसंबर की तरफ जाएंगे तो ठंड जो है वो बढ़ती रहेगी। तो अगर आप कहीं हिल स्टेशन पे जाते हैं या कहीं भी और तरफ ही जाते हैं तो वहाँ जो ठंड है वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे अभी मैं गया था चंडीगढ़ की तरफ गया था तो वहाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। तो जो लोग गाड़ी में अपनी गाड़ी में चाहते हैं कि गाड़ी का हीटर जो है वो ऑन हो जाए, तो उस हीटर को कैसे ऑन करना है ये मैं आज की वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में आप लोग राधे राधे लिखते रहिएगा, सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़ के राधे राधे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक छोटी सी दरख्वास्त, हमारा एक नया चैनल है अर्न एंड ग्रो जो कि शेयर मार्केट पे जो है वो बेस है, आप उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो दिया जाएगा। तो शुरू कर रहे हैं आज की वीडियो। तो देखिए साहब, यहाँ पर गाड़ी जो है अभी जो है वो गाड़ी न्यूट्रल खड़ी है और अभी इस गाड़ी में जो है वो एसी ऑन है, टेम्परेचर दिखा रहा है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस इज ए नॉर्मल टेम्परेचर जो हम चाहते हैं कि गाड़ी के अंदर जो है वो मेंटेन रहता है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी होगी ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन अगर अब जैसे जैसे अब सर्दियाँ बढ़ती जाएंगी तो हम चाहते हैं कि गाड़ी में हमारी जो गाड़ी का टेम्परेचर है हल्की सी थोड़ी हीट आ जाए ताकि थोड़ा सा आपको वार्म जो है वो फील हो जाए। तो अब आप इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो स्विचेस आपको दे रखे हैं कहीं भी ये उसमें ये नहीं दिया हुआ कि आप इसमें हीट का एसी वो नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर आप सिग्नल देखिए, ये जो ब्लू होता है ना, ब्लू कलर का, ये होता है जनरली जब हम टेम्परेचर डाउन करते हैं। आप देखिए, अगर आपके पास घुमाने वाला नॉब वाला था तो उसमें हम ब्लू की तरफ करते थे ना तो आपकी गाड़ी का एसी जो है वो ऑन हो जाता था, और उसको जब हम रेड की तरफ मूव करते थे तो गाड़ी में से जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो गर्म हवा आने लग पड़ती थी। अब इसमें तो कोई ऐसा स्विच है नहीं कि कैसे पता लगेगा मुझे कि मुझे इसको रेड तरफ करना है या ब्लैक तरफ करना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए, यहाँ ये देखिए, ये टेम्परेचर जो है उसका बढ़ाना शुरू कर देंगे यहाँ से 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। अब 32 के बाद ये टेम्परेचर जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ना गर्म हवा आनी शुरू हो जाएगी, देखिए गर्म हवा आनी शुरू होगी अब यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके गाड़ी का जो है वो एसी है जो है वो अपने आप ही गर्म हवा देनी शुरू कर देगा। लेकिन उसके आगे भी अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पर H1 आ गया, H1 का मतलब हो गया आप गाड़ी जो है वो आपकी गर्म हवा दे रही है, हीट पे जो है वो गाड़ी आ चुकी है और बहुत गर्म हवा आ रही है यहाँ पर। तो आप इसके यहाँ पर ऑटो एसी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वहां से भी जो है आप इसमें जो है स्विच ऑन कर सकते हैं और वापस आ जाइए इसको यहाँ पर वापस। मैंने अभी 25 पे कर दिया बिकॉज अभी ऐसा टेम्परेचर नहीं है कि मैं इसमें गाड़ी में जो है वो हीट ऑन करूँ। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी में जो है वो एसी जो है हीट जो है वो आए, गर्मी आपको थोड़ा सा फील हो, आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, या कभी हम हिल स्टेशन वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो अंदर बैठने में भी जो है आपको फील नहीं आती, वार्म फीलिंग नहीं आती। दूसरा आपके पास एक और ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी जो है जैसे नॉर्मल खड़ी है, इसे आप एसी बंद कर दीजिए यहाँ से, या आपकी गाड़ी का एसी बंद हो गया लेकिन आप तब भी चाहते हैं कि गाड़ी की जो है आपके पास वार्म जो है वो हवा आती रहे, तो आपने क्या करना है, यहाँ से इस स्विच को आपने यहाँ पे बंद कर देने। इस स्विच को बंद करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो साइन है ना, इसमें क्या होता है, जो गाड़ी की हवा होती है वो अंदर ही अंदर जो है वो सर्कुलेट होती है। लेकिन जब मैंने इसको बंद कर दिया तो इसका मतलब होता है कि अब जो हवा आएगी ना वो इंजन के थ्रू जो है वो हवा आएगी। अब थोड़ी आप जब गाड़ी चलाते हो तो आपका इंजन जो है वो गर्म हो जाता है, तो उसमें से जो हवा आएगी वो फिर गर्म हवा आएगी विदाउट कोई भी एसी ऑन के बिना आपकी गाड़ी में जो है वो गर्म हवा आएगी। लेकिन मेरी एक ही दरख्वास्त है कि आपको उसको ज़्यादा देर मत चलाएं बिकॉज उससे में क्या होता है बड़ी घुटन सी हो जाती है। थोड़ी देर के लिए आप चलाइए इसको, 5-10 मिनट के लिए अगर आप चलाइए ताकि आपकी गाड़ी जो है अगर बहुत ठंडी है तो वो थोड़ी गर्म हो जाए, इतने ही चलाइए। दूसरा क्या होता है कि जब हम इसमें हवा इसको बंद कर देते हैं तो बाहर की हवा भी हमारे पास आनी शुरू हो जाती है, तो कई बार धूल मिट्टी वगैरह का इश्यू भी जो है कई लोगों को आ सकता है। तो यहाँ पर आप इसको जो है ऑन कर सकते हैं, अपना हीटर जो है वो ऑन कर सकते हैं। उसका पूरा प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया है। फॉग देखो, अब सर्दी आएंगी तो आपको फॉग का इशू भी आएगा ही आएगा, आगे भी आपकी फॉग होगी, पीछे भी फॉग होगी, तो आप फ्रंट का और रियर दोनों को फॉग जो है वो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। जब आप फ्रंट का फॉग करेंगे तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि आपकी जो यहाँ से हवा आए वो आनी बंद हो जाएगी, सीधी हवा जो है वो वहाँ जाएगी, उसको वो मॉइस्ट करके उसको वो क्लियर कर देगी। तो ये सारा सा प्रोसीजर, छोटा सा एक प्रोसीजर है। आई होप दोस्तों आज की जो वीडियो है
आपके जो है वो काम आएगी, बिकॉज जो लोग भी नॉर्थ इंडियन में रहते हैं, पंजाब की तरफ हो गए, इस तरफ हो गए, हरियाणा की तरफ हो गए, तो उन लोगों के लिए या दिल्ली वाले जो भी हैं, तो आप सब के लिए ये वीडियो मुझे लगता है कि किसी ना किसी जो है वो काम आ सके। जो हमारे वीडियो बनाने का मोटिव है वो यही रहता है कि छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास पहुंचती है तो हमारी वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो जो है वो क्लियर हो जाता है। मतलब हम चाहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो आपके पास भी शेयर हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में आप फिर से आप राधे राधे लिखते रहिएगा। सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़ के राधे राधे।